बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने साइलेंट फीचर्स इसके देखे, इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसको देखा, उसको डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन है, क्राउन के जो इस्तेहकाक हैं, जो क्राउन का ओरिजिनल राइट्स हैं उसके मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, ये एक कम्बिनेशन है, एक मुख्तलिफ जो एक्ट्स, ट्रीटीज़, चार्टर्स, कन्वेंशनल लॉ, मुख्तलिफ स्टैचूज का ये एक ऐसा मजमूआ है जो कि एट वंस, मतलब कि एक ही दफ़ा पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1973 में पार्लियामेंट ने पास किया और पाकिस्तान में उसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक लंबा एवोल्यूशनरी पीरियड जो है वो तय किया है। इसकी ये जो अभी हमें शेप नज़र आती है, इसने एक लंबा पीरियड तय किया है तब जाकर ये बना है। इसके बाद जो पार्लियामेंट है ये भी एक, इसने भी एवोल्यूशनरी पीरियड जो है तय किया है, इसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है। एक्चुअली ब्रिटिश में या बरतानिया में मोनार्की या बादशाहत थी और बादशाह से जो इख्तियारात हैं वो बतदरीज पार्लियामेंट को मुंतकिल हुए और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आया। आज हम क्राउन को ही डिस्कस करेंगे और इसके प्रेरोगेटिव्स, इसके जो ओरिजिनल इसके राइट्स हैं, इसका जो इस्तेहकाक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली मैं पहले इसलिए स्केच बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ताकि एक तो टाइम की बचत हो जाती है और फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डिटेल खुद से इसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्राउन्स प्रेरोगेटिव्स मीन्स द पावर्स एक्सरसाइज बाय द किंग इन वर्च्यू ऑफ कॉमन लॉ और द कस्टम्स। जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है या रूल ऑफ लॉ है, वो इख्तियारात जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश किंग जो है वो इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि किंग जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरन एक बॉडी थी, एक सॉवरन था, तमाम तर इख्तियारात इसके पास थे और फिर आस्ता आस्ता ये इख्तियारात जो हैं वो आगे मुंतकिल होते गए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, एक्चुअली मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, किंग और क्राउन यूज़ किया है। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किंग क्या है और क्राउन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किंग जो क्राउन है इज़ एन इंस्टीट्यूशन, क्राउन जो है वो एक अदारा है। वेयर इज़ द किंग इज़ एन इंडिविजुअल, और किंग जो है वो एक इंडिविजुअल है, एक फ़र्द है, एक नेचुरल पर्सन है हु होल्ड्स द इंस्टीट्यूशन। जो क्राउन है वो एक इंस्टीट्यूट है और किंग जो है वो एक इंडिविजुअल है जो उस इंस्टीट्यूट को होल्ड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ देयर कैन बी डिमाइस ऑफ द किंग, किंग को मौत वाकई हो सकती है बट नॉट फॉर द क्राउन, क्राउन जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द किंग इज़ द पार्ट ऑफ क्राउन बट क्राउन इज़ नॉट पार्ट ऑफ किंग, क्योंकि क्राउन जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, इसलिए जो किंग है वो इसका हिस्सा है लेकिन क्राउन किंग का हिस्सा नहीं है। इसके बाद अगला हम नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखें तो क्राउन जो है वो एक लीगल पर्सन है, और जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि क्राउन इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, बट ऑन द अदर हैंड जो किंग है वो एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, या तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके हम प्रेरोगेटिव्स देखते हैं, इसके जो इस्तेहकाक है, ओरिजिनल इसका जो हक है वो क्या है। चूँकि ये पहले सॉवरन बॉडी था, जैसे मैंने आपको बताया मुकम्मल इख्तियारात थे इसके पास, और फिर ये इख्तियारात जो हैं वो आस्ता आस्ता पार्लियामेंट को मुंतकिल होते गए। अच्छा, इसको किंग के जो प्रेरोगेटिव्स हैं इसको हम बेसिकली सबसे पहले हम दो कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल प्रेरोगेटिव्स एंड सेकेंड वन है पोलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। ठीक है,
पर्सनल प्रेरोगेटिव्स और पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। पर्सनल प्रेरोगेटिव्स ऐसे इस्तेहकाक हैं जो इसको इन पर्सन हासिल थे, इन पर्सन हासिल हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले है किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, जो बादशाह है वो कभी भी गलत नहीं करता। अच्छा हाँ, ये जो पर्सनल प्रेरोगेटिव्स हैं ये बेसिकली जो हैं वो इसकी ज़ात से रिलेटेड हैं, इसके जो ज़ाती एक्ट्स हैं, इसके ज़ाती जो मामलात हैं उससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग कैन डू नो रॉन्ग मीन्स के जो किंग है, जो बादशाह है, वो कभी भी गलती नहीं करता। या आप इसका मीन्स यूँ भी ले सकते हैं, बाई नो प्रोसीडिंग्स नोन टू ला कैन द किंग बी मेड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन बाई हिम। मतलब कि इसने जो भी एक्ट किया है, जो लॉ में अगर कोई गलत भी है तो इसको गलत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इसका दूसरा आप यूँ कह सकते हैं सेकंड सेंस में कि इट मींस दैट नो वन कैन प्लीड द ऑर्डर्स ऑफ द क्राउन इन डिफेंस ऑफ एनी एक्ट नॉट अदरवाइज जस्टिफाइएबल बाय लॉ। मींस के अगर कोई बंदा क्राउन के, किंग के जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करते हुए कोई ऐसा काम कर लेता है जो जस्टिफाइएबल ना हो लॉ में, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये चूंकि किंग का क्राउन का ऑर्डर था तो इसलिए मुझसे गलती हो गई। मतलब कि किंग क्राउन के ऑर्डर को एज अ डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है। चूंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अब जो किंग और क्राउन है वो एक सिग्नेचर मशीन है, ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं ये पार्लियामेंट देती है ऑन द नेम ऑफ किंग आर क्राउन आर ऑन द बिहाफ ऑफ किंग आर क्राउन देती है। तो इसलिए जो इसके ऑर्डर्स को भी एज अ डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली किंग आर क्राउन नहीं देता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है किंग नेवर डाई, जो बादशाह है वो कभी नहीं मरता। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक कंजर्वेटिव थॉट्स पर मबनी है। आप इसका टोटल कॉन्स्टिट्यूशन देख लें तो ये कन्वेंशनल लॉ पर मबनी है। ये एक्चुअली अपनी उन रीत और रिवाज को अभी तक जारी रखे हुए हैं जो कि बादशाहत से चलते आ रहे हैं, और इनका जो ये सोसाइटी है, इनका अकीदा है कि बादशाह जो है वो कभी नहीं मरता। मतलब कि बादशाहत उसके अगले बेटे या उससे अगले बेटे को या उससे अगले जो भी होता है वारस उसको मुंतकिल हो जाती है, इसलिए बादशाहत जो है वो कभी नहीं मरती। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स जो हैं ये बेसिकली ये डील करते हैं जो बाकी मामलात हैं जो सियासत से मुतल्लिक हैं, जो इंटरनल मामलात हैं या जो एक्सटर्नल मामलात हैं। इंटरनल मामलात डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स कहलाते हैं, और सेकंड वन है फॉरनर या फॉरेन के जो मामलात हैं वो भी पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रेरोगेटिव्स हैं जो बादशाह को हासिल हैं, अपने मुल्क में वो तकरियां कर सकते हैं तमाम ऑफिशल्स की, इसके बाद वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, वो वार डिक्लेयर कर सकता है, वो फाउंटेन ऑफ पीस है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस है। क्राउन जो है वो कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश का। तो ये सारे जो रिलेट करते हैं वे पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव्स को। इसमें ये फिर डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेरोगेटिव्स, जुडिशियल एंड लेसिस्टिकल प्रेरोगेटिव्स और लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स। सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेरोगेटिव्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इंतज़ामिया हैं, ये तमाम अमूर जो हैं वो ऑन द नेम ऑफ किंग ही होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ किंग ही होते हैं, ठीक है। इसलिए जैसा कि अगर हम देखें द क्रिएशन ऑफ प्रेस, क्रिएशन ऑफ प्रेस, मुल्क में जो इसका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जितने भी जो प्रेस है, इसको बनाने के लिए या इसके बनाने के लिए जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो इन द नेम ऑफ क्राउन ही होते हैं। इसके बाद क्रिएशन ऑफ कॉरपोरेशंस हैं,
डियर स्टूडेंट्स, जो जितनी भी काउंटीज़ हैं या जितनी भी स्टेट हैं उसकी जो कॉरपोरेशंस हैं वो इन द नेम ऑफ इसी के बनाई जाती हैं, इसके नाम पर ही बनाई जाती हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है एंड डिसमिसल कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है, डिसमिसल कर सकता है मिनिस्टर्स को, ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इनको कर सकता है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वार कर सकता है, जो जंग का ऐलान कर सकता है, पीस का ऐलान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्राउन जो है वो चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूके, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैं हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स को। जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स में सबसे पहले फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, इसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इट मीन्स द किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड जनरल कंजर्वेटिव ऑफ द पीस ऑफ द किंगडम। ऑल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग रन इन द किंग्स नेम, किंग के नाम पर जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो किंग के नाम पर होती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ पार्डन होता है, पावर ऑफ पार्डन। अब इसके पास ये इख्तियार है, इसको इसका ओरिजिनल, इसका जूरिस्डिक्शन है, इसके ओरिजिनल प्रेरोगेटिव है कि ये मुजरमों को माफ़ी दे सकता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी ईद पर या कोई भी जो बड़ा इवेंट है, ऐसे मौका पर जो जिन्होंने सज़ाएं ज़्यादा अरसा काट ली होती हैं, कम अरसा रहती हैं, या माइनर जो क्रिमिनल जो होते हैं जिनके जुराम इतने बड़े नहीं होते, तो उनको माफ़ी दी जाती है। और पाकिस्तान में ये काम जो है वो सदर के पास होता है, सदर के पास इख्तियार है, यहाँ पर किंग के पास है कि वो पावर ऑफ पार्डन है कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको माफ़ी दे सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर जुडिशियल, जो भी इसकी जुडिशरी के रिलेटेड हैं, जजेस हैं, जस्टिस साहबान हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, इसकी डिसमिसल जो है वो किंग ही करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सिलिसिस्टिकल प्रेरोगेटिव्स। एक्सिलिसिस्टिकल प्रेरोगेटिव्स ये मजहबी लिहाज से है, मतलब के स्पिरिचुअल जो इसकी प्रेरोगेटिव्स हैं, इसमें वो अपॉइंटमेंट कर सकता है बिशप्स की। इसमें सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट है बिशप्स की ऑफ आर्क एंड कंट्रीबरी के जो चर्च हैं, उनके जो बिशप्स हैं या जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। इसके बाद हेड ऑफ चर्च भी कहलाता है, हेड ऑफ चर्च भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जो इंग्लैंड के चर्च है उसका हेड भी है। इसके बाद समनिंग ऑफ कन्वेंशंस, ये जो मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं इसके लिए, डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट टाइप के कन्वेंशंस हैं इसके लिए समनिंग कर सकता है, समनिंग ऑफ कन्वेंशंस कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं लेजिस्लेटिव जो प्रेरोगेटिव्स हैं। लेजिस्लेटिव प्रेरोगेट में सबसे पहले तो इसके पास पावर टू लेजिस्लेट है, डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली बर्तानिया में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसके पास इख्तियार है कि वो तमाम तरह की लेजिस्लेशन करती है। बिल जो है वो ईवान से पास होने के बाद रॉयल असेंट के लिए किंग और क्वीन के पास जाता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली तो इख्तियार किंग और क्वीन का ही है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन अब ये इख्तियार चूंकि पार्लियामेंट को मुंतकिल हो चुका है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन करती है, लेकिन इसके बाद रॉयल असेंट के लिए किंग और क्वीन के पास वो बिल भेजा जाता है और किंग और क्वीन उसको वीटो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वो ईवान इसको पास कर दे तो वो जो है वो लॉ बन जाता है। अब प्रैक्टिकली जो थ्योरेटिकली तो ये है कि किंग और क्वीन के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किंग और क्वीन जो है वो या इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राउन जो है वो एक सिग्नेचर मशीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलवा सकती हैं, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का इजलास बुलवा सकता है किंग और क्वीन जो है। इसके बाद डिजोल्व कर सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को विद द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सजेशन के साथ पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद असेंट ऑन बिल्स, बिल्स पर वो किसी तरह के भी बिल्स हो सकते हैं, असेंट ऑन बिल्स वो किसी तरह के भी बिल्स हो सकते हैं, लेजिस्लेशन के रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड हो सकते हैं, उनमें सजेशंस दे सकता है, उन पर असेंट दे सकता है। इसके बाद पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है, एड्रेस कर सकता है किंग और क्वीन जो है वो पार्लियामेंट को इसमें तकरीर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर्स है, पीयर्स को अपॉइंट कर सकता है, पीरेज का जो मामला है उसको सॉल्व कर सकता है। तो ये इसके लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स हैं। ठीक है, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी, ये हमने डिस्कस किए हैं डोमेस्टिक जो प्रेरोगेटिव्स हैं। अब हम चलते हैं फॉरेन जो प्रेरोगेटिव्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो इसके पास इसका ये राइट है, हक है इसका, इस्तेहकाक है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन है। ठीक है, अपनी कौम का नुमाइंदा है, ऑफ नेशन है, अपनी कौम का ये नुमाइंदा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद पावर टू मेक ट्रीटीज है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान मुआहदा होता है, अब ब्रिटिश किसी भी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करता है तो इस मुआहदे पर दस्तखत जो हैं वो किंग आर क्वीन ही करता है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो ट्रीटीज़ साइन होते हैं ये इसी के पास इख्तियार है किंग आर क्वीन के साथ कि ये उसको साइन करें। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वार है, वार एंड पीस। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वार कर सकता है, जंग का ऐलान कर सकता है, या फिर किसी मुल्क के साथ अमन का मुआहदा कर सकता है। इसके बाद पावर टू रिकग्निशन है, अब इसके पास ब्रिटिश जो है, बरतानिया जो है, किसी भी नए मुल्क को जब रिकग्नाइज करता है, किसी मुल्क को एक्सेप्ट करता है, इन द नेम ऑफ किंग ही होता है, ये किंग का ओरिजिनल इख्तियार है, तो किंग ही ये सारा कुछ करता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसिडर्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किंग जो है वो अपॉइंट करता है रिप्रेजेंटेटिव्स आर एम्बेसिडर्स ऑफ हिज ओन कंट्री इन एब्रोड, जो बाहर के मुल्कों में अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो एम्बेसिडर्स हैं वो बाहर तैनात करता है, और बाहर के जो मालिक के एम्बेसिडर्स आते हैं उनसे जो असनाद वसूल की जाती हैं वो भी किंग आर क्वीन ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि जो रॉयल आर क्राउन प्रेरोगेटिव्स हैं वो क्या है, और ये कैसे अब ब्रिटिश जो चूँकि अब डिवेल्प कर चुके हैं तमाम इख्तियार जो हैं वो पार्लियामेंट के पास आ चुके हैं, एक डेमोक्रेटिव
मुकम्मल डेमोक्रेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वजूद में आ चुका है। जो मोनार्की सिस्टम है वो तकरीबन ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसके इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को मुंतकिल हो चुके हैं। हमने साइलेंट फीचर्स में ये बात डिस्कस की थी कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है इसमें ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि देखो ये जितने भी प्रेरोगेटिव्स हैं, हमने पर्सनल देखे, हमने पॉलिटिकल देखे, फिर डोमेस्टिक और फॉरेन देखे, इसमें ये तमाम जो इख्तियारात हैं ये थ्योरेटिकली तो इख्तियार अभी भी किंग और क्वीन के पास ही है, लेकिन ये यूज़ जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट करती है, ठीक है। तो इसी बुनियाद पर किंग और क्वीन को ये कहा जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि किंग और क्वीन जो है या जो किंग है वो कभी भी गलत नहीं करता, ठीक है। चूँकि ये तमाम तर मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं, इसलिए किंग और क्वीन का नाम इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। इसके मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।